बॉलर के कितने टेस्ट होते हैं? बॉलर के 3 टेस्ट होते हैं, ओपन टेस्ट 1 नंबर, 2 नंबर हाइड्रोलिक टेस्ट और 3 नंबर स्टीम टेस्ट। अभी ये ओपन टेस्ट क्या है, हाइड्रोलिक टेस्ट क्या है और स्टीम टेस्ट क्या है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बताया है। आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज चैनल के जो भी सब्सक्राइबर है, उन्होंने हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि आप हमें बुक के बारे में सजेशन करिए। देखिए फ्रेंड, बॉयलर ऑपरेटर के लिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी नहीं है, बॉयलर ऑपरेटर के लिए प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करना और डिस्कशन करना ये बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड, बुक के लपड़े में मत पड़ो आप, आपको प्रैक्टिकल बॉयलर देखने को मिलता है और उसका बॉयलर का कैसा स्टडी करना है आप वीडियो में देख सकते हो। और प्रैक्टिकली यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वहाँ पे कोई रिटर्न में एग्जाम नहीं होता है। इसलिए मेरा पर्सनल सजेशन आपको है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉयलर के क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करिए, बुक के लपड़े में मत पड़िए। बुक आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आएगा, बुक पढ़ेंगे तो और दिमाग में भी नहीं बैठने वाला है। तो फ्रेंड, इसी मिसिंग को देखते हुए हमने क्वेश्चन और आंसर का बॉयलर का वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, बॉयलर के बहुत सारे क्वेश्चन और आंसर का वीडियो है, अभी भी वीडियो उसी के ऊपर चल रहा है फ्रेंड। तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो देखिए। तो फ्रेंड, आइए देर ना करते हैं, वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। पावर प्लांट टेक्नोलॉजी को जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि हमारे ऐसे वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है, बॉयलर प्रश्नोत्तर पार्ट 17, यानी कि 16 जो पार्ट वीडियो है हमारे ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं, आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, बॉयलर में सुपर हीटर क्या होता है, क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, हम सुपर हीटर बॉयलर को क्यों लगाते हैं। तो बहुत सारे बंदे ने इसका सही से आंसर दिया है, तो आइए देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, बॉयलर में सुपर हीटेड स्टीम बनाने के लिए, यानी कि स्टीम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए होता है। तो फ्रेंड, जो हमारा बॉयलर होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक लो प्रेशर बॉयलर, एक हाई प्रेशर बॉयलर। तो लो प्रेशर बॉयलर में क्या होता है फ्रेंड, उसका टेम्परेचर लो होता है, लोअर साइड होता है, और प्रेशर भी लोअर साइड होता है। और जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है वो सुपर हीटेड बॉयलर होता है। सुपर हीटेड यानी कि स्टीम जो होता है फ्रेंड, उसका फेस वहां पे चेंज होना बंद हो जाता है, ओनली उसका टेम्परेचर राइज होता है। तो उस स्टीम को हम सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं, और वो स्टीम बनती है सुपर हीटर के अंदर। तो फ्रेंड, इसलिए हम वो सुपर हीटर क्या करते हैं, वहां पे इंस्टॉलेशन करते हैं बॉयलर के अंदर। तो मेन पर्पज क्या है सुपर हीटर का, तो मेन पर्पज यह है कि स्टीम का टेम्परेचर वहां पे वो राइज करता है, यानी कि बढ़ाता है। तो उस स्टीम का फेज जो है फ्रेंड, उसके बाद चेंज नहीं होता है, वो स्टीम आपको आँख से नहीं दिखने वाली है, उसका सिर्फ आपको आवाज आएगा सुपर हीटेड स्टीम का, और वहां पे टेम्परेचर मिलेगा। तो हमारा जो सैचुरेटेड स्टीम होता है वो हमें आँख से दिखती है, और वेट स्टीम भी हमें आँख से दिखती है। तो यहाँ पे उसके जैसा सुपर हीटेड स्टीम हमें नहीं दिखती, इसलिए हम उसको सुपर हीटेड स्टीम बोलते हैं। और सुपर हीटेड स्टीम जो है ये सुपर हीटर में बनती है। सुपर हीटर का कॉइल जो होता है ये फर्नेस जोन के अंदर होता है, वहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर वो ऑब्जर्व करता है। तो ये होता है फ्रेंड सुपर हीटर। और इसका काम क्या होता है मैं आपको बता दूँ, ये स्टीम का काम होता है पावर जनरेशन के लिए। तो जो मेन हमारा स्टीम टरबाइन होता है वो भी लो प्रेशर और हाई प्रेशर के ऊपर चलता है, लेकिन सबसे पहले उसको हाई प्रेशर से घुमाया जाता है, और हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम की टरबाइन को वहां पे रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हम सुपर हीटेड स्टीम वहां पे जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईबीआर बॉयलर है या नहीं, ये कैसे पहचाने। बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट किया है कि आईबीआर बॉयलर कैसे पहचाने। तो देखिए फ्रेंड, बॉयलर में नॉन आईबीआर आईबीआर दोनों भी होता है। तो आईबीआर बॉयलर को चलाने के लिए आईबीआर के अथोराइज से हमें जो लाइसेंस मिलता है, वही लाइसेंस होल्डर उस बॉयलर को चला सकता है। उस बॉयलर को कोई टेक्निकल नहीं चलाता है, उसको
आईबीआर ऑथोराइज से जो लाइसेंस मिलता है वही बंदा उसको चला सकता है। तो वो बॉयलर आईबीआर है या नहीं ये हम कैसे पहचान सकते हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईबीआर बॉयलर का रूल्स क्या है और वो कब आईबीआर बॉयलर के अंदर रेगुलेशन के अंदर वो आता है। तो यहाँ पे देखिए आईबीआर बॉयलर में कम से कम 5 गैलन यानी कि 25 लीटर वाटर स्टीम बनाने की कैपेसिटी और 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से ऊपर उसका स्टीम प्रेशर होना चाहिए तभी वो आईबीआर बॉयलर में कहलाता है। यानी कि हमारा जो आईबीआर बॉयलर होता है उसका जो कैपेसिटी होता है स्टीम जनरेशन करने का तो वो 5 गैलन पानी यानी कि 25 लीटर वाटर का वो 1 घंटे में स्टीम बना सकता है और उसका जो प्रेशर है वर्किंग प्रेशर जो होता है वो 1 kg के ऊपर होना चाहिए तभी वो आईबीआर बॉयलर में आता है। तो उस बॉयलर के ऊपर आईबीआर ऑथराइज लाइसेंस जिस बंदे को मिलता है वही बंदा उस बॉयलर को चला सकता है। उसको कोई भी आकर के टेक्निकल वहां पे कोई टेक्नीशियन नहीं चला सकता है, कोई ऑपरेटर उसको ऑपरेट नहीं कर सकता है विदाउट लाइसेंस होल्डर। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे यह समझना है कि आईबीआर बॉयलर है या नहीं। तो यहाँ पे कैसा पहचानना है कि उस बॉयलर का जो कैपेसिटी है स्टीम जनरेशन का 5 गैलन लीटर वाटर हम अगर इन करते हैं तो 25 किलोग्राम यहाँ पे पर आवर्स में उसका स्टीम जनरेशन होना चाहिए और 1 kg उसका वर्किंग प्रेशर होना चाहिए तभी वो आईबीआर बॉयलर कहलाएगा। अगर इससे कम है तो वो नॉन आईबीआर बॉयलर कहलाता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर में रॉ वाटर यूज करे तो क्या होगा? ये जो क्वेश्चन बनाया है फ्रेंड ये बहुत सारे बंदे ने मुझे कमेंट में पूछा है कि ये ऐसा करने से क्या होगा, ये वाटर यूज करने से क्या होता है। तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो बॉयलर में रॉ वाटर यूज करे तो बॉयलर की लाइफ कम हो जाएगी। तो फ्रेंड देखिए अगर हम रॉ वाटर यूज करते हैं बॉयलर में तो उसका लाइफ क्यों कम होता है बॉयलर का? देखिए फ्रेंड बॉयलर के अंदर हम जो वाटर यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर यूज करते हैं। सॉफ्ट वाटर यानी कि उसके अंदर कुछ भी हार्ड मिनरल्स नहीं होते, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये जो मिनरल्स ये हार्ड है। ये क्या करते हैं फ्रेंड जब बॉयलर के अंदर हम वाटर फीड कर देते हैं उसके बाद वाटर वो बॉयल होता है, बॉयल होने के बाद वो जो हार्डनेस होता है उसके अंदर का मैग्नीशियम कैल्शियम ये ट्यूब के अंदर स्केलिंग फॉर्मेशन बना देते हैं और उसके बाद हमारा जो वाटर का पीएच होता है न्यूट्रल होता है। और जब हमारा वाटर बॉयल होता है बॉयलर के अंदर उस समय क्या होता है फ्रेंड उसके अंदर क्या होता है ऑक्सीजन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे एसिड फॉर्म में भी वो वाटर कन्वर्ट हो सकता है। तो वहाँ पे एसिडिक अगर वाटर बन जाता है तो वहाँ पे हमारे ट्यूब का जो करोजन है इरोजन है वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बॉयलर के ट्यूब के अंदर से पिटिंग भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये आपको समझना है कि हार्ड वाटर से हमारे बॉयलर के अंदर मोस्टली यहाँ पे हार्डनेस के वजह से ट्यूब के साइड में स्केलिंग फॉर्मेशन बन जाता है। तो फ्रेंड इसी के वजह से हमारे बॉयलर का एफिशिएंसी कम हो जाता है और स्टीम जनरेशन भी हमारा यहाँ पे बनना कम हो जाता है। तो रॉ वाटर अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम आता है हमारे बॉयलर के अंदर। हाई प्रेशर को तो बिल्कुल ही हम रॉ वाटर वहाँ पे यूज नहीं करते हैं, लो प्रेशर को भी नहीं करना चाहिए। हमें डीमिनरलाइज वाटर बॉयलर को यूज करना चाहिए, सॉफ्ट वाटर यूज करना चाहिए या फिर आरओ वाटर भी हम बॉयलर को यूज कर सकते हैं, सॉफ्टनर प्लांट का भी वाटर हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बॉयलर के वाटर के अंदर हार्डनेस नहीं होना चाहिए जैसे कि मैग्नीशियम कैल्शियम। तो फ्रेंड आपको होप ये समझ में आया होगा कि वाटर क्यों यूज नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयलर में अगर केमिकल डोजिंग नहीं करे तो क्या होगा? देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये एग्जामिनर पूछ सकते हैं कि बॉयलर में अगर हम केमिकल डोजिंग नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा आपको, अगर बॉयलर वाटर पैरामीटर सही है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वाटर पैरामीटर सही नहीं है तो बॉयलर की लाइफ कम हो जाएगी। देखिए फ्रेंड हम केमिकल डोजिंग क्या क्या करते हैं सबसे पहले तो ये आपको समझना है। हम केमिकल डोजिंग कौन कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर यानी कि बॉयलर के वाटर के अंदर का जो भी ऑक्सीजन है वो थोड़ी मात्रा में हम रिमूव कर देते हैं और उसके बाद हम डोज करते हैं पीएच बूस्टर यानी कि पीएच बढ़ाते हैं वाटर का। और तीसरा जो केमिकल हम यूज करते हैं वो करते हैं फॉस्फेट।
तो फ्रेंड ये तीन चीजें यहाँ पे बॉलर के वाटर का पैरामीटर का बहुत जरूरी है। यहाँ पे पीएच बूस्टर हमें हेल्प करता है बॉलर के अंदर का करोजन नहीं होना चाहिए, फास्फेट हमें हेल्प करता है बॉलर के अंदर का जो प्लेट होता है ट्यूब का वो फास्फेट उसके अंदर लेयर बनी रहे, वो ज्यादा भी ना रहे और कम भी ना रहे। उस लेयर के वजह से वाटर और प्लेट का जो कांटेक्ट है वो बहुत ही कम हो जाता है और वहां पे बहुत अच्छा से हीट ट्रांसफर होता है। और दूसरी बात स्कैवेंजर जो होता है ऑक्सीजन स्कैवेंजर वो क्या करता है बॉलर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाने देता है वाटर के साथ, उसके वजह से हमारे बॉलर के अंदर पिटिंग भी नहीं होती है। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ मेन हमारा क्वेश्चन क्या है, बॉलर में अगर केमिकल डोजिंग नहीं करे तो क्या होगा। तो फ्रेंड हमारा पीएच का रेंज होता है बॉलर के अंदर वाटर का, फास्फेट का भी रेंज होता है और ऑक्सीजन स्कैवेंजर का भी रेंज होता है। अगर वो रेंज में है पैरामीटर तो आपको वहां पे केमिकल डोज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये जो पैरामीटर है रेंज में नहीं होते हैं हमें कंपलसरी वहां पे डोजिंग करना ही होता है, इसलिए हम केमिकल डोजिंग करते हैं। और अगर नहीं हम करते हैं केमिकल डोजिंग तो हमारा बॉलर का वाटर पैरामीटर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके बाद हमारा बॉयलर का जो ट्यूब है वो करोजन इरोजन पीटिंग ऐसा प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, तो उसकी वजह से बॉयलर की लाइफ कम हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉयलर में हीट ट्रांसफर कितनी प्रकार से होती है। देखिए हमारे बॉयलर के अंदर हम जब भी कंबक्शन करते हैं तो वहां पे हीट ट्रांसफर का भी यहाँ पे एक मेथड होता है, वो हीट ट्रांसफर भी आपको पूछ सकते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बॉयलर में हीट ट्रांसफर तीन प्रकार से होती है, नंबर एक कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। अभी ये कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन क्या है इसके बारे में मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, हीट ट्रांसफर कैसे होती है इसके बारे में आपको फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा आसान तरीके से। तो फ्रेंड थोड़ा सा हम जान लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ कंडक्शन क्या होता है। देखिए फ्रेंड जो हमारा फर्नेस के अंदर हम फायरिंग करते हैं, फायरिंग होने के बाद जो हीट है वो हीट हमारे बॉयलर के ट्यूब से वाटर को जाती है, उस हीट को हम कंडक्शन कहते हैं। और कन्वेक्शन, कन्वेक्शन यानी कि वाटर को हीट मिलती है और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो ऊपर सीधे चले जाते हैं डेंसिटी डिफरेंट के वजह से, तो वहां पे उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं उस हीट को। और यहाँ पे रेडिएशन हीट जो है फ्रेंड हम जब फर्नेस में फायरिंग करते हैं वो रेडिएशन करते हैं, डायरेक्ट हीट ट्यूब को मिलती है उसको हम रेडिएशन हीट कहते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार तीन हीट होती है, इस हीट के बारे में हम स्पेशली वीडियो बनाएंगे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके देंगे। तो फिलहाल आपको यहाँ पे हीट ट्रांसफर तीन देखना है और यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉयलर में ठंडा पानी कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड इसका जो आंसर है आपको देना है बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, अगर आप बॉयलर में परफेक्ट हो तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बॉयलर के अंदर फ्रेंड आपको पता है हर तरफ हॉट वाटर होता है, जब बॉयलर रनिंग में होता है तो जहां पे भी हम बॉयलर को अगर हाथ लगाते हैं तो वहां पे हॉट ही होता है यानी कि गर्म ही होता है। कुछ जगह ऐसी होती है कि वहां पे पानी ठंडा होता है, तो वो कहाँ पे होता है आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो होप फ्रेंड ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे पावर प्लांट टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि ऐसे वीडियो हमारे आपके पास पहुंच सके। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक भी किया करो, आपके एक लाइक की वजह से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।